उट फर्दार्टेज so की बेनिफिट क्या है पहले हम उनपे गौर फरमा लेते फिर हम अपने प्रोडक्ट के रिव्यू पे आएंगे तो रोसेज के बेनिफिट क्या है फर्स्ट थिंग आपके स्किन को सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है कोई भी सीजन हो समर है विंटर है सन से कहीं ना कहीं आपकी स्किन थोड़ी बहुत डैमेज होती ही है तो बहुत जरूरी कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाओ जो आपके स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करे सेकंड थिंग आपकी स्किन को यूथफुल बनाता है एंटी एजेंट का काम करता है एंटी एजिंग का काम मतलब जो चीज़ आपकी फेस आपकी फेस पे थर्टी फाइव की एज पे दिखना चाहिए वो चीज़ आपको एक्सपांड कर देगा लाइक फोर्टी में या फोर्टी फाइव में वो जो एज की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं आपके चेहरे पे तब तब दिखेगा मतलब आपको थोड़ा और यंगर बनाता है तो अगर आपकी एज सेवनटीन प्लस है तो आप इसे आराम से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और अगर आप थर्टी फाइव थर्टी के हो गए हो तो इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दो कोई भी रोजेस के प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दो जिससे आप थोड़ा और यूथफुल और यंग दिखोगे थर्ड थिंग आपके स्किन में विटामिन ए और विटामिन सी जाता है इसे यूज करने में क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी होता है विटामिन ए और सी का क्या काम है आपके स्किन में जो सेल्स होते हैं उन्हें रीजनरेट करता है डेड सेल्स को रिमूव करता है और जो गुड सेल्स है उन्हें लाता है इंप्योरिटीज हटाने में हेल्प करता है आपके स्किन में जो सेल्स है उन्हें बूस्ट करने में हेल्प करता है तो ये तो इनकी बेनिफिट्स थी और क्या चाहिए कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो है ना तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के ऊपर तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी इस वाले प्रोडक्ट से ये है गुड वाइब्स रोज हिप्स रेडियंट ग्लो फेस सिरम तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट था जो कि मैंने रोज हिप्स के रेंज में से इसे यूज करना स्टार्ट किया था उसके okay. बाद मैंने ये वाला परचेज किया इसे यूज करना स्टार्ट किया पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की एम आर पी एक्सपाइटेड इन्ग्रीडियंट एंड हाउ टू यूज रोजेस के सीरम का जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके का है एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आपको रिसीव होगा और ये दो कैप के साथ आते हैं एक अभी जो ड्रॉपर मैंने लगा के रखा है और एक ये इस तरीके की कैप के साथ आपको मिलेगा जो ड्रॉपर है वो सेपरेट आएगा आपको और आपको जब रिसीव होगा तो इस तरीके की कैप के साथ मिलेगा इसका जो नेट वॉल्यूम है वो हंड्रेड एम का है नो पैरबिंस क्वालिटी फ्री जो सारी चीज़ें आप बॉक्स के ऊपर देख रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको बॉटल के ऊपर भी मैंशन की हुई मिल जाएंगी मैं बॉटल आपको नहीं दिखा रही क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ें लिखी हुई हैं इसलिए मैं बॉक्स ही आपको दिखा रही हूँ जिससे आप रीड कर सकें और आपके लिए भी यूजफुल रहे यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है इसका एमआरपी जो है टू हंड्रेड फिफ्टीन रुपीज़ का है शेल्फ लाइफ टू इयर्स तक की है और यहाँ बेनिफिट्स मेंशन किए हुए हैं हाउ टू यूज बी केयरफुल और इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं आपने इसे काफ़ी क्लोज से देख लिया आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए इसके अब मैं इसे बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस क्या रहा है इसे यूज करने में मेरे जो स्किन टाइप पे कॉम्बिनेशन है मैंने इसे जब परचेज किया था तो समर का टाइम चल रहा था लाइक like, एंड uh, कह सकते हो आप एंड टाइम था समर का तब मैंने इसे परचेज किया था तो जब मैंने इसे लगाना स्टार्ट किया तो यू रिलाइज नो कि कॉम्बिनेशन स्किन वालों का जो टी जोन होता है बहुत ही स्वेटी होता है और ये, ये जो एरिया होता है वो ड्राई होता है तो जब मैंने इसे लगाना स्टार्ट किया ना स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ठीक है लेकिन थोड़ा सा मुझे ये जो एरिया है यहाँ पर स्वेट आता है वैसे इसकी वजह से और थोड़ा आने लगा गलती इस प्रोडक्ट की नहीं है क्योंकि मेरा स्किन टाइप ही ऐसा है यहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी काफी अच्छा ग्लो रहता था मेरे चेहरे पे लेकिन इस एरिया में मुझे थोड़ा सा स्वेटी स्वेटी सा रहता था अगर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कहूं तो आपकी स्किन अगर ऑयली है एक्सट्रीमली ऑयली है या कॉम्बिनेशन है तो आप इसे समर में अवॉइड करो और विंटर में लगाओ विंटर में इस प्रोडक्ट का तो क्या कहना वाह मजा ही आ जाता है इसे लगाने के बाद जो दिल खुश कर देता है ना चेहरे पे जो ग्लो देता है जो मतलब देख सकते हैं थोड़ा बहुत ग्लो दिख रहा है क्योंकि मैंने जब वीडियो स्टार्ट करा तो सेट सेटअप कर रही थी अपना सब तब तो मैंने इसे पहले आ, कुछ देर पहले इसे लगाया था तो अभी तक मेरे चेहरे पे थोड़ा सा ग्लोइंगनेस है विंटर में बहुत ही अच्छे से अपना वर्क करता है लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है एक्सट्रीमली ड्राई है या नॉर्मल है तो आप इसे कोई भी सीजन में लगा सकते हो समर विंटर कोई भी सीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब मैं आपको इसकी इसके जो बेनिफिट्स है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा रोजिप के बेनिफिट्स उसमें से ही इसके बेनिफिट्स भी है लेकिन और अच्छे से बता देती हूँ पहली चीज अगर आपकी स्किन ड्राई है तो जरूर लो क्योंकि ड्राई स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है आपकी स्किन में एक्ने हैं मार्क्स या किसी भी चीज के उसे हटाने में करता है इवन स्ट्रेच मार्क्स को भी रिड्यूस करता है ये और आपके स्किन में कोई भी टाइप का इचिंगनेस होता है या जिससे बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं उससे बार तो बार चेहरे पे उसका हाथ हमेशा ही रहता है कई लोगों का तो आप इसे अगर लगाते हैं तो आपके चेहरे को इचिंग से बचाता है यानी कि खुजली नहीं होने देता आपके चेहरे पे तो ये इसकी कुछ मेनली चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले रोजेप के बेनिफिट्स में नहीं बताए थे तो मैंने इसमें काउंट कर दिया और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो तो है ही इसमें तो मैं वो चीज़ वापस रिपीट करके वीडियो को लंबा नहीं करूँगी तो मैं इसे अपने फेस पे आपको लगा के दिखा दी एक्चुअली मैंने पहले ही लगा के रखा है तो कुछ खास आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ किस तरीके से आपको फेस पे लगाना होता है बहुत ज़्यादा नहीं लेना है अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आप ठीक है दो ड्रॉप लो लेकिन आपको हर साइड एक ड्रॉप इधर एक ड्रॉप इधर एंड इधर एंड इधर दैट सेट आपको और ज़्यादा नहीं लेना है बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ऑयली लगेगी या फिर ठंडी में आप कैप वगैरह पहन रहे हो तो ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्ट उस कैप में या स्काफ में कुछ भी आप इस तरह से पहनते हो तो उसमें चिपक जाएगा तो प्रोडक्ट वेस्ट हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना तो बस आपको एक एक ड्रॉप लेके इसे हल्का सा मसाज लेना अपने फेस पे और मसाज देने में जरूर थोड़ा सा टाइम निकाल के मसाज दो, दो मिनट तक का कम से कम मसाज दो क्योंकि आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो और आप इसे मसाज नहीं देते हो नहीं टाइम देते हो तो कोई भी मतलब नहीं है इसे यूज करने का थोड़ा सा टाइम दे दो, दो मिनट ज्यादा नहीं मांग रहा ये प्रोडक्ट सिर्फ दो मिनट का पस, मसाज दे, पसाज, पसाज दे दो मसाज दे दो मसाज के लिए मैं क्यों कह रही हूँ टाइम लगाओ क्योंकि स्किन में जो ऑयल आप प्रोडक्ट लगा रहे स्किन के अंदर तो जाए तो ही तो रिजल्ट मिलेगा ना ऐसे आपने लगाया यूं क्या यूँ क्या बात खत्म नहीं ऐसा नहीं होता थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में मसाज करो और एक टिप देना चाहूँगी अगर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं ना कुछ भी फेस प्रोडक्ट लगाते हो तो उन लोग ना अपने आईलिड पे भी लगा लेते हैं मैं भी करती थी लेकिन मुझे बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि जब अगर मैं अपने आंखों पे फेशियल ऑयल या सीरम लगाती हूँ तो मेरे आईलेट है ना आई लैशेस हैं ना वो बहुत हैवी हो जाते हैं मुझे मतलब ऐसे अपनी आंखें से भारी भारी लगने लगती है तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इसे आंखों पर मत लगाए अंडर आई में लगा लें और अगर आपको लगाना भी है तो बहुत ही हल्के से यहाँ यहाँ जस्ट ऐसे सिर्फ करो एकदम अच्छे से यूं यूं नहीं मसाज करो वरना आंखें हैवी हो जाती हैं

और ये रिटेल करता है टू हंड्रेड फिफ्टीन रूपीज का इसकी शेल्फ लाइफ टू इयर्स तक की है इंग्रेडिएंट्स आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ मिल जाएगा बेनिफिट्स हाउ टू यूज बी केयरफुल ये सारी चीजें यहाँ आपको मिल जाएगी मेंशन की हुई अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस और मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मेरी स्किन मैंने पहले ही बताया कॉम्बिनेशन है और मेरी मम्मी की स्किन जो है वो ड्राई है जब मेरी मम्मी ने इसे लगाना स्टार्ट किया तो उन्हें समर्स में इन्होंने लगाना स्टार्ट किया था तो शी फील भैया बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मुझे अच्छा लग रहा है स्मूथ कर रहा है लेकिन जैसे थोड़ी थी ठंडी आनी शुरू की ना तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो एरिया है ना मम्मी का बहुत ड्राई होने लगा रफ होने लगा और बहुत ही छोटे 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 दाने आने लगे तो मेरा स्किन कॉम्बिनेशन है मैंने इसे दोनों सीजन में लगाया मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं मिला मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं था कुछ बहुत एक्सट्रीम चेंज भी नहीं आया चेहरे पे जिस नॉर्मल जेल की तरह इसने काम किया मेकअप से पहले मैं इसे लगाती हूँ रात में नहीं लगाती हूँ मेकअप करती हूँ स्पेशली मैंने इसे गर्मी में लगाया है जब भी मैंने मेकअप किया है या मेकअप वीडियो किया है कोई भी तब तो मैं इसे लगाई हूँ तो मेरे चेहरे पे तो कोई नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं रहा लेकिन मेरी मम्मी की जो है ड्राई स्किन है तो उनके चेहरे पे ठंडी जब आना शुरू हुई ना तब उनके यहाँ यहाँ ड्राईनेस आने लगा उन्हें फील होने लगा कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने पर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं बताऊँ तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई या ड्राई स्किन है तो आप इसे विंटर में मत यूज़ करो यू कैन यूज़ इन समर लेकिन आप विंटर में मत यूज़ करो क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है ये कहता है कि हाइड्रेट करता है नो डाउट इट्स हाइड्रेट योर स्किन लेकिन ड्राई स्किन वाले थोड़ा सा ध्यान दो रफ कर सकता है ज़रूरी नहीं मेरी मम्मी के साथ हुआ तो आपके साथ भी होगा लेकिन फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करें और उस एक्सपीरियंस के बेस पे कौन से स्किन टाइप वाले को कौन से सीजन में लगाना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये कहता है कि आपके स्किन को हाइड्रेशन देता है हाइड्रेट करना वो अलग चीज हो गई और आपके स्किन की अगर ड्राइनेस नहीं हटा रहा नहीं। इसे यूज करने में तो आप इसे यूज करना बंद कर दो विंटर्स में लेकिन अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन नॉर्मल है या ऑयली एक्सट्रीमली ऑयली है तो आप इसे कोई भी सीजन में लगा सकते हो और एक और चीज़ जैसे कि मैंने कहा कि मुझे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया इसे लगाने पर जैसे मेरी मम्मी को हुआ लेकिन मुझे जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ अप्लाई के टाइम पर जब अपने चेहरे पर लगा के मसाज करती करी तो मुझे थोड़ा सा ये इचिंग करता है खुजली होने लगती है चेहरे पर बहुत ही थोड़ी देर के लिए जैसे अप्लाई किया और एक मिनट हार्डली एक मिनट तक का बाकी फिर बाद में जैसे स्किन में ये एब्जॉर्व होना शुरू होता है ना तो गायब सा हो गया मतलब तो वो इचिंग भी गायब हो जाता है और ये प्रोडक्ट भी नहीं लगता कि आपने लगाया है चेहरे पे तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसे लेकर अब मैं आपको बताती हूँ इसे चेहरे पे यूज़ करना इसे मैंने ऑलमोस्ट हाफ़ यूज़ कर लिया है अब मैं इसे बंद कर चुकी हूँ कम यूज़ करती हूँ क्योंकि समर है मुझे आ, विंटर है इसलिए मुझे थोड़ा फेशियल ऑयल या मैं आमंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ जेल वगैरह नहीं यूज़ करती तो मैं आपको अपने फेस पे लगा के बता दे रही हूँ हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं ये आपकी स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बनाता है आपके कॉम्प्लेक्स को सॉफ्ट करता है स्किन का हाइड्रेशन लेवल है उसे बढ़ाए रखता है मैं ड्राई स्किन वालों की बात नहीं कर रही हूँ स्किन टाइप वाले से यूज कर सकते हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं पर विंटर्स में नहीं समर्स में ये सारी चीजें आपके साथ होगी आपकी स्किन में सॉफ्टनेस लाएगा मॉइस्चराइज भी करेगा आपकी स्किन को लेकिन विंटर्स में नहीं करेगा फिर दूसरी बात आपकी स्किन को टाइटन अप रखता है आपकी स्किन के मसल्स को बूस्ट करता है ये इसके मेनली बेनिफिट्स हैं और चीजें जो थी मैंने स्टार्टिंग में रोज हिप्स के जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारी चीजें इसमें भी हैं लेकिन जो जेल का बेनिफिट था वो मैंने आपको सेपरेटली बता दिया सो या गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो और वीडियो में कुछ रह गया हो बताना या कुछ ऐसा है कि कोई आपको क्वेश्चन है मेरे कोई भी मैंने जो आपको बताया उससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर फैमिली बाय